गोभी के बहुत ही करारे, क्रिस्पी और चटपटे से स्नैक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं गोभी का बहुत ही टेस्टी सा स्नैक्स। ये रेसिपी आप इसे शाम को चाय के साथ खाएं, खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसके लिए हमने यहाँ पे गोभी ले लिया है। फूल गोभी को हम इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने इसे ग्रेट करने के लिए बारीक वाला ग्रेटर का यूज़ किया है। तो इस तरह से हमने पूरी फूल गोभी को ग्रेट कर लिया है। और अब हम यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिया हमने 1 कप गेहूँ का आटा। थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। 2 चम्मच हम इसमें डाल लेते हैं ऑयल, जिससे एक खस्ता बनेगा। और अब हम इसका आटा लगा के तैयार करेंगे। तो पहले इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे गेहूँ के आटे का यूज़ किया है। आप चाहे तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं, पर आटे से बनाने से ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनेगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेते हैं और इसे गूँथ लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे हमें हल्का सा सख्त ही रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसका डो हमें नहीं तैयार करना है। हमारा ये डो तैयार हो चुका है। इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से रेस्ट कर ले। तब तक हम यहाँ स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे पैन में ऑयल गरम किया है, 1/2 छोटा चम्मच। इसमें हमने डाल लिया है राई, ग्रेट किया हुआ फूल गोभी हमने इसमें डाल लिया है। इसे अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई कर लेना है, जिससे कि गोभी जो है वो पक जाए। बीच बीच में आप इसे इस तरह से चलाते जाएँ। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम पर रखा हुआ है और इस तरह से चलाते हुए हमने इसे अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है। 2 पिंच हल्दी डाल लेते हैं। हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मिक्स कर लेंगे इन सबको। फ्रेंड्स, इसे चटपटा बनाने के लिए आप इसमें चाट मसाला या तो फिर आमचूर पाउडर या तो फिर नींबू का जूस का यूज़ कर सकते हैं। मसाले डालने के बाद हम इसे 1/2 से 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे। और ये हमारा मसाले के साथ गोभी अच्छी तरह से भून चुका है। इसमें हम डाल लेते हैं कटा हुआ धनिया का पत्ता और नींबू का जूस। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्टफिंग बनता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप चाहें तो इसमें कोई और वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टफिंग तैयार है। इसे हम साइड में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। स्टफिंग को ठंडा करके ही हमें यूज़ करना है। तो यहाँ आटा भी हमारा अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। तो इसकी हमने छोटी सी लोई ले ली है। इसे हम रोटी की तरह बेल लेते हैं। तो आप चाहें तो थोड़ा बड़ा बेलें या तो थोड़ा मीडियम साइज़ में भी इसे रख सकते हैं। अब हम इसमें स्टफिंग को डाल लेते हैं। स्टफिंग को अच्छी तरह से इसमें फैला लें और बहुत ज़्यादा मोटा लेयर हमें इसमें नहीं रखना है। ये देख सकते हैं, इस तरह से हम 2 से 3 चम्मच बस इसमें स्टफिंग डालेंगे। बहुत ज़्यादा स्टफिंग इसमें नहीं लगने वाला है। अच्छी तरह से हमने स्टफिंग को फैला लिया है। अब हम इसे इस तरह से रोल कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसे घुमाते जाएंगे और इस तरह से हमने इसे अच्छा सा शेप दे दिया है। और अब हम इसे काट लेंगे। तो अपने हिसाब से आप थोड़ा बड़ा या छोटा साइज़ रख सकते हैं। तो आपको जैसा पसंद हो उस हिसाब से आप इसका साइज़ रख सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम बाकी के भी स्नैक्स को तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी लगता है। तो आप अपने गेस्ट को सर्व करें या तो फिर शाम को चाय के साथ इसे बना करके खाएं। 1 चम्मच हमने यहाँ पे मैदा लिया है और थोड़ा सा पानी इसमें डाल करके इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा मैदे का घोल बन के तैयार हो गया है। तो अब इस मैदे के स्लरी में हम अपने स्नैक्स को इस तरह से डिप करेंगे। अगर हम इस तरह से डिप ना करें तो जो गोभी है ना, वो फ्राई करते वक्त पूरी निकलने लग जाती है और हमारा ऑयल पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमने इसे मैदे में
पहले कोट कर लिया है, फिर इसे डीप फ्राई कर लिया है। तो मीडियम लो फ्लेम पे आप इसे फ्राई करें, और जब तक ये अच्छी तरह से क्रिस्प ना हो जाए तब तक अलटते पलटते फ्राई कर लें। तो ये हमारा गोभी का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता तैयार हो चुका है, वो भी गेहूँ के आटे से। तो इसे हमने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे अपने पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये फूल गोभी से बनने वाली स्नैक्स की रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।